देखिए ये दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड के लिए आज हम सबों को यहाँ इकट्ठा किया गया है, जिसमें से मैं एक जूरी मेंबर बना हूँ। मेरे साथ हैं पंकज जी, लॉलीपॉप जी, हम लोग कहाँ हैं प्रभु जी, वहाँ कहाँ चले गए, और सुनील पाल जी, और भी कई से हैं। तो बड़ी खुशी हुई, क्योंकि अक्सर तो हम अवार्ड लेने जाते हैं या हमारे यहाँ से किसी को देते हैं, ये पहला मौका है कि हम मतलब कुर्सी पर बैठ के मतलब हम लोग सोचेंगे कि किसको क्या देना। मगर ये मैं आपको क्लियर कर दूँ कि मैं सिर्फ इतना गाना बजाने के लिए तो मैं जूरी ज़रूर हूँ, एक्टिंग वगैरह के लिए नहीं। तो मैं तो इनकी हाँ में हाँ मिलाऊंगा, जहाँ ये कहेंगे वहाँ खड़ा हो जाऊँगा। हाँ, मगर सच्चाई का साथ दूंगा, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने मुझे जूरी के लिए सेलेक्ट किया। थैंक यू। गरीबों का एक्टर कल्याण जी जाना है, 4 साल पहले की स्थिति कुछ और थी, आज इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हो गए हैं, तो क्या शुभकामनाएं हैं इनके लिए आपकी तरफ से? मैं एक गाना गा के इनको बता देता हूँ। तू चला जो अपनी तलाश में, तो कहाँ कहाँ से गुजर गया, था कदम कदम पर इम्तिहान, हर इम्तिहान से गुजर गया। तो मैं यही कहूँगा कि कल्याण जी जाना साहब, जिन जिन इम्तिहान से गुजरना चाहिए, जिन लोगों को बरसों लग जाते हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँचे, दो इन्होंने बच्चे ने 4 साल में 4000 साल पुरानी चीज़ों को पहुँच गया, यानी दादा साहब आइकॉन अवार्ड देने के लायक बन गया। आज इसके साथ में इतने लोग जुड़े हैं, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ही नहीं, हम जितने बैठे हैं सभी इनको तहे दिल से दुआएं दे रहे हैं, और ये इसी तरीके से आगे बढ़े और आने वाले कल के भविष्य के कलाकारों को चुने, उनको अवार्ड दें।